मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कठपुतली। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट को समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। जैसे जो कटावा सेब है, जो उसका कलर है वो ब्राउन क्यों हो जाता है, या फिर जो मेहंदी है, हेना है, जब हम उसे हमारी जो हाथ है या फिर पांव है उनके ऊपर जब लगाते हैं, उससे पहले इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, और आफ्टर स्टेनिंग यानी जब हिना अपना कलर छोड़ती है स्किन के साथ में, उसके पश्चात ये रेड क्यों हो जाता है, ऐसा इनके अंदर क्या है? जो कट एप्पल है वो ब्राउन क्यों हो जाती है, उसका सीधा सा कारण ये है कि जो कटा हुआ एप्पल है या फिर कहीं से थोड़ा सड़ा हुआ जो एप्पल है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसकी जो सेल्स हैं, वो सीधे के सीधे एयर के कांटेक्ट में आती है, और वहाँ पर जो एप्पल है वहाँ पर पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, एक जो मोनोफिनॉल ऑक्सीडेज और कैटेकॉल ऑक्सीडेज का एक मिक्सचर होता है, यानी ये जो एंजाइम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ये फिनॉलिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस सिचुएशन के अंदर जो एप्पल का कलर है, कटे हुए एप्पल का जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है, और वहाँ पर जो फिनॉल है वो क्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से जो एप्पल है वो हमेशा फ्रेश कंडीशन के अंदर ही यूज़ में लेने चाहिए, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्राउन हो चुका है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो कटे हुए एप्पल्स हैं उनको शुगर सॉल्यूशन के अंदर या फिर अगर पानी के अंदर कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए, तो वहाँ पर जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है वापस से फिनॉल के अंदर। और कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो फिनॉल है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दूसरी तरफ हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि जो हिना है यानी जो मेहंदी है, वो जैसे ही स्किन के साथ में बाइंड होती है तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, इसका कारण क्या है, कि हिना के अंदर ऐसा क्या कंपाउंड है? जैसा कि हिना का बॉटनिकल नेम है लॉसोनिया एनर्मिस लेनी, जो कि लेथाइरेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और इसके अंदर एक कंपाउंड है लॉसोन, और लॉसोन जो है वो एक्चुअली हेना टैनिक एसिड कहलाता है, यानी रेड ऑरेंज डाई है लॉसोन, और इसे कहा जाता है हेनोटैनिक एसिड, और जैसे ही ये एसिड जो है वो हैंड की जो प्रोटीन सेल्स हैं, प्रोटीन जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स है, उन प्रोटीन के साथ में रिएक्शन करता है, और उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो हिना है वो रेड, हिना का जो कलर है आफ्टर स्टेनिंग रेड हो जाता है। यहाँ ये बात आती है कि जो प्लांट है उसके अंदर क्यूटीन है, वैक्सीज है और सुबेरीन है, उनकी क्या आवश्यकता है? क्या ये केवल इवेपोरेशन को यानी ट्रांसपीरेशन जो है उसी को रोक रहा है, या फिर उसके अलावा भी कोई काम ये क्यूटीन, वैक्सीज और सुबेरीन करते हैं? तो क्यूटीन, वैक्स और सुबेरीन जो है उनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है कि जब भी प्लांट सेल के ऊपर फंजाई, बैक्टीरिया इनका अटैक होता है, उस सिचुएशन के अंदर ये जो क्यूटीन है वो क्यूटिकल के रूप में एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट करती है उस सिचुएशन के अंदर, जो बैक्टीरिया है या फिर जो फंजाई है वो अटैक नहीं कर पाता है। डेफिनेशन क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है आखिर होते क्या है? यानी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सबस्ट्रेट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं,
उनका डायरेक्ट तो कोई रोल नहीं है, यानी प्लांट जो है उसकी ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मेटाबोलाइट्स है ये क्या काम करते हैं कि कोई भी जो प्लांट है उसकी डिफेंस के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, और इस वजह से इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाम दे दिया जाता है। यानी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट में, प्रोटीन सिंथेसिस में, यहाँ कहीं काम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका डिफेंस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी जो शुगर है, लिपिड है, न्यूक्लियोटाइड है, अमीनो एसिड है, जिनका डायरेक्ट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर रोल है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल ऐसा नहीं है। ये केवल एक लिमिटेड जो प्लांट किंगडम है वहीं प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे प्लांट किंगडम यानी सभी प्लांट्स के अंदर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है प्रेजेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्लासिफिकेशन की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है, यानी इनके इनकी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, क्या उसके अंदर शुगर कंपोनेंट्स हैं या नाइट्रोजन है, या उसके अंदर कोई सॉल्यूबल सॉल्वेंट है किस आधार पे, या फिर उसके अंदर कोई पॉली फिनॉल है, या फिर क्या है किस आधार पे इन्हें, यानी कहने का मीनिंग है कि उनकी केमिकल स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है थ्री कैटेगरीज के अंदर। वो कैटेगरीज हैं टर्पीन्स, फिनॉलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। टर्पीन्स के अंदर आते हैं हॉर्मोन्स, पिगमेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स, स्टीरॉइड्स एंड रबर, और फिनॉलिक्स के अंदर है काउमेरिन्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिग्निन, टैनिन। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम लेते हैं एल्केलॉइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, जैसे कि सेपोनिन्स हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, और ग्लूकोसाइनोलेट्स और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं। फंक्शन क्या करते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? तो इनका मेन काम होता है कि ये कलर प्रोवाइड करते हैं, स्मेल प्रोवाइड करते हैं, या फिर टेस्ट, एक विशेष तरह का या तो बिटर प्रकार का जो टेस्ट है वो क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो पॉलिनेटर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, या फिर सीड डिस्पर्सल के लिए, या फिर फ्रूट फैसिलिटेटिंग का काम करते हैं। यानी कोई पॉलिनेटर है उसके लिए अट्रैक्टेंट का काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लांट प्लांट कॉम्पिटिशन यानी एलीलोपैथी के अंदर, या फिर प्लांट माइक्रोब सिम्बायोसिस जैसे कि रूट नोड्यूल के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी ये काम में आते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे